और एक और बड़ी खबर है, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बयान दिया है कि उत्तराखंड राज्य में बढ़ता नशा चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में पहले भी नशे का कारोबार था, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। तो त्रिवेंद्र रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नशे को लेकर अपनी चिंता जताई है और उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड राज्य में बढ़ता नशा चिंता का विषय है, देवभूमि में नशे का कारोबार बढ़ा है। नशा एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है, लेकिन ये अचानक उभरा ऐसा नहीं है। हरीश रावत जी का अगर ये कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जब से धामी आए तब से ऐसा हुआ, तो ऐसा नहीं है। लेकिन एक बड़ी समस्या है, इस पर सभी का ये चिंता का विषय होना चाहिए, चाहे सत्ता हो, राजनीति हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, हमारे जो आम जनमानस है, वास्तव में सबको इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। और उनका जो ये आरोप है कि उत्तराखंड नशे का अड्डा बन गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये तो खाली आरोप प्रत्यारोप की बात है। और हरीश रावत ने भी आरोप लगाया था कि प्रदेश में नशाखोरी बढ़ रही। हरीश रावत ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। पूरा नशेड़ी राज्य बना दिया है, जो कमी है वो शराब की, जहरीली शराब, नकली शराब का हब बना दिया है उत्तराखंड को। तो 2023 को तो हमारा बर्बाद कर रहे हो, 2024 में भगवान जाने कौन क्या करे। उत्तराखंड के चार जिलों में आज का दिन भारी है। प्रदेश के चार जिले चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में अगले 24 घंटे में एवलांच का बड़ा खतरा है। हिमस्खलन से संभावित खतरे को देखते हुए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एवलांच के खतरे के मद्देनजर एक हेलीकॉप्टर भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। उत्तराखंड में एवलांच के खतरे को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रंजीत सिन्हा ने भी पुष्टि की है और इस संभावित खतरे से निपटने को लेकर तैयारियां भी की गई हैं। तो चार जिलों के लिए एवलांच का जो इनपुट है वो आया है, इसलिए प्रशासन मुस्तैद है। वहीं जोशीमठ में आपदा प्रभावितों के सामने नई मुश्किल खड़ी हो गई है। शहर के चार वार्ड में पानी के स्रोत सूख रहे हैं। लोगों का कहना है कि जमीन धंसने की वजह से पानी के स्रोत सूख रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि जब से दरारें आई हैं, दरारों की घटना हुई है, तब से ये जलधाराएं सूख गई हैं। तो जोशीमठ में मुश्किलों का अंबार है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी की न्यार वैली में पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की। इस दौरान खुद पर्यटक मंत्री पैराग्लाइडिंग का पर्यटन मंत्री ने लुत्फ उठाया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पैराग्लाइडिंग की शुरुआत से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही न्यार वैली में पैराग्लाइडिंग जैसे साहसिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। जोशीमठ आपदा की मार उन मजदूरों पर भी पड़ रही है जिनकी रोजी रोटी सुरंग निर्माण की वजह से चल रही थी। आपदा के बाद से सुरंग का निर्माण काम रोक दिया है और इस वजह से मजदूरों के सामने संकट खड़ा हो गया है। इसी से गुस्सा है, मजदूरों ने प्रदर्शन किया और नाराजगी जाहिर की। ऐसे करीब 300 मजदूर है जिनके सामने इस वक्त रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। आगे की रणनीति ये रहेगी सर, अगर ये ऐसे चला तो हम भी तहसील मुख्यालय में जाकर के धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। जोशीमठ को तो सहारा दिया, लेकिन एक बार मजदूरों के बारे में नहीं सोचा कि यार इतने लोग जो मतलब कंपनी की वजह से जिसका चूल्हा जल रहा है उसके बारे में भी तो सोच लेते, थोड़े इधर आके हमारे हाल चाल भी तो पूछ लेते। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।